गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। टुडे वी विल स्टडी सेशन 3, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इन यस्टरडे लेक्चर यू स्टडीड सम प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट स्टूडेंट्स? सो टुडे वी विल स्टडी बैरियर इन कम्युनिकेशन। क्या क्या रुकावटें आती हैं एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, एक अच्छे कनेक्शन के लिए, राइट कनेक्शन। ओके, वी नीड टू कंडक्ट अ राइट कनेक्शन। सो वी विल सी व्हाट आर द बैरियर इन अ राइट कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट फैक्टर इंक्लूड हेयर इज लिंगुअल फैक्टर, लैंग्वेज। लैंग्वेज फैक्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। लेट सपोज वन पर्सन इज इंग्लिश स्पीकिंग एंड अनदर पर्सन इज स्पेनिश। सो वी नीड अ इंटरमीडिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम फॉर अंडरस्टैंडिंग सिग्नल्स ऑफ ईच अदर, राइट स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट फैक्टर इज लैंग्वेज फैक्टर, और वी कैन से इट लिंगुअल फैक्टर। सेकेंड इज एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंट फैक्टर इज फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए एक प्रॉपर एनवायरमेंट चाहिए जहाँ पर पीस हो, साइलेंस हो, लेकिन समटाइम नॉइस की वजह से, सराउंडिंग एनवायरमेंट की वजह से हम अपना कम्युनिकेशन परफेक्ट नहीं कर पाते, सिग्नल्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। दैट इज़ द सेकेंड फैक्टर दैट अफेक्ट राइट कम्युनिकेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर। थर्ड फैक्टर इज पास्ट एक्सपीरियंस। यहाँ पर फिजिकोलॉजी की बात आती है। यहाँ पर कहता है अवर एक्सपीरियंस समटाइम इनहैबिटेट अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेट क्लियरली। If you fall while riding a bicycle, you might be afraid of riding a bicycle again in the future due to experience. Clear students? यहाँ पर past experience की वजह से हम अपने communication में barrier raise कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपकी book में example दिया गया है, one time you are riding a bicycle, but in future you want to again ride a bicycle, but you will remind that falling from the bicycle, that will the disadvantage of past experience in riding the cycles again. Clear? So you should be overcome with your past experience. Fourth point comes here in the barrier of right communication is cultural influence. Cultural influence में क्या आएगा?